स्थित वीर अब्दुल हमीद पार्क छावनी परिसर जिला शाहजहानपुर में वीर अब्दुल हमीद जी का 58वां शहीद दिवस सामाजिक संस्था और अंजुमन इदरीसिया एवं वीर अब्दुल हमीद स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्य अर्पण करने के बाद कहा कि वीर अब्दुल हमीद के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जिस परिक्रमा के दुश्मनों के इरादों को निश्चल नाबूद कर दिया वह उल्लेखीय है। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि शहीद आजम अशफाक उल्ला खां के पोते अफाक उल्ला खां ने वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी और शहादत के बारे में बताया। समाजवादी आंदोलन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबर नवी इदरीसी अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर इदारे हकीकत पेश की और उनकी जाबाजी के बारे में बताया। वे अब देश दीक्षित रक्षा मंत्रालय द्वारा लंबित सदस्य छावनी परिसर शाहजहानपुर में शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर माल्य अर्पण की। वे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन तनवीर खान ने माला पहनाकर खिजारे हकीकत पेश की। संचालन कर रहे डॉक्टर रफत हुसैन इदरीसी जी ने वीर अब्दुल हमीद के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंजुमन इदरीसिया की ओर से केंद्र सरकार एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित 9 सूत्रीय मांग पत्र मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी को दिया गया। गाजीपुर जिले में बनने वाला एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन का नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखे जाने की मांग की। उपस्थित रहे सदाब अल्लाह शमसुद्दीन इदरीसी, भाजपा नेता हारून इदरीसी, ताहिर अली परवेज, हाजी शमीम इदरीसी, सदस्तुक हुसैन, डॉक्टर जमाल हसन, मोहम्मद शरीफ, हाजी रफीक, नौशाद हसन, जगदीश प्रसाद, अनिल भास्कर, मुस्तफ़ा इदरीसी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनूप कुमार, शकील अहमद, हाजी निसार, अब्दुल जलालुद्दीन, मोहम्मद सलीम, इमरान, डॉक्टर सुनसत अली, विकास फैजान, अतर खान, राजेश कुमार, मोहम्मद आरिफ, फखरुद्दीन इदरीसी, अली हसन इदरीसी आदि उपस्थित रहे। अंत में सभा की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष महबूब हुसैन जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। देखते रहें हिंद TV न्यूज़ दिल्ली।